सो गाइस अभी के टाइम पे आप लोग को हमारे इंडिया से फार्म फ्रेंजी का ये इवेंट देखने को मिल रहा है जो कि यार 26 तारीख से चलने वाला है एंड गाइस 31 अक्टूबर को तो आप लोग को पता ही ओबी 42 का अपडेट आने वाला है। पर गाइस 26 तारीख से 31 तारीख तक हम लोग को कौन सा इवेंट देखने को मिलेगा या किसी को भी पता नहीं है, लेकिन गाइस आज के आप लोग को बताने वाला हूं वो कौन सा इवेंट होने वाला जो गाइस आप लोग को हमारे इंडिया से 26 तारीख के बाद देखने को मिलेगा और कौन कौन से फ्री के रिवार्ड्स गाइस आप लोग को क्लेम करने को दिए जाएंगे। साथ ही गाइस गेम में कभी ना कभी आप लोगों ने वीकली और मंथली मेंबरशिप में से कोई ना कोई मेंबरशिप को तो परचेस किया होगा, तो गाइस आप लोग हमारे गेम में इसी तरीके का एक सर्वाइवल पैकेज देखने को मिलेगा। एक मंथ की मेंबरशिप आप लोग उसके अंदर ले सकते हो। हर मंथ आप लोग के रिवार्ड्स रिफ्रेश होने वाले जिसमें गाइस आप लोग की आईडीपी वी बैच भी लग जाएगा, तो उसके अलावा आप लोग को बताने लगा क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले आप लोग के सर्वाइवल पैकेज के। इसके अलावा गाइस हम लोग बात करेंगे आप लोग के ओबी 42 से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स के बारे में, इसी तरह और कुछ नए अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। पर गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमें एक तरह वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना इसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो गाइस अगर आप लोगों ने दोनों काम मेरे लिए कर दिए तो बिना किसी देरी के बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस बात करें सबसे पहले अपडेट क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आज सुबह 10 बजे आप लोग हमारे इंडिया सुपर ईओ बोनांजा का एक न्यू इवेंट देखने को मिलने वाला है जिसमें गाइस आप लोग हमारे काफी सारे ईओ टोकन देखने को मिल सकते हैं। अगर जितने भी ईओ आप लोग को पोस्टर में देखने को मिल रहे हैं सभी के सभी आप लोग को रिटर्न में देखने को मिल सकते हैं, तो काफी बढ़िया इवेंट होने वाला है। आप लोग 10 बजे ओपन करके अपने इवेंट को चेक कर लेना। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी के टाइम पे अगर आप लोग कोई भी व्हीकल को ड्राइव करते तो सिर्फ आप लोग फ्रंट का व्यू देख सकते हो, ना तो गाइस आप लोग पीछे देख सकते हो, ना गाइस लेफ्ट साइड देख सकते हो, ना राइट साइड देख पाते हो, लेकिन आप लोग का जो भी टीममेट गाड़ी में बैठा रहता है वो चारों तरफ देख पाता है। पर गाइस अभी ओबी 42 अपडेट के बाद इसमें चेंज देखने को मिलने वाला है, यानी गाइस अगर आप लोग कोई भी व्हीकल को ड्राइव करोगे तो गाइस आप लोग कैमरा एंगल को 360 डिग्री तक घुमा सकते हो, यानी गाइस चारों तरफ आप लोग देख सकते हो। तो यार रियल लाइफ में भी जब भी कोई भी बंदा ड्राइव करता है तो गाइस फ्रंट के साथ साथ वो बैक भी देख पाता है एंड गाइस इधर उधर भी देख पाता है, ठीक उसी तरह गाइस आप लोग के गेम में भी होने वाला है। अभी गाइस आप लोग ड्राइव करोगे तो गाइस पीछे भी देख पाओगे, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया अपडेट मेरे को लगा है। और मजे की बात है गाइस रियल लाइफ की तरह अगर आप लोग को पीछे की तरफ गाड़ी चलानी यानी गाइस बैक साइड गाड़ी चलानी तो गाइस आप लोग पीछे की तरफ का व्यू देख के भी अपनी गाड़ी को चला सकते हो, ना तो गाइस आप लोग किसी पेड़ से टकराएगी ना गाइस किसी पत्थर से टकराने वाली है। तो कुछ इस तरीके का आप लोग अपडेट ओबी 42 अपडेट के बाद हमारे गेम में देखने को मिलेगा। आप लोग को ये वाला अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस ओबी 42 के अपडेट में गन एफ ने पिंग सिस्टम पर भी वर्क किया, यानी गाइस अगर आप लोग का पिंग हाई चला जाता तो आप लोग को रेड कलर का यहाँ पे देखने को मिलता होगा, यानी गाइस 99 प्लस पे आप लोग को रेड कलर का देखने को मिलता है जिससे आप लोग को पता चल जाता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है। लेकिन गाइस ओबी 42 अपडेट के बाद अगर आप लोग का पिंग नॉर्मल चल रहा है या बढ़िया चल रहा है तो गाइस आप लोग को व्हाइट कलर देखने को मिलता है, लेकिन गाइस जैसे जैसे आप लोग का पिंग हाई जाएगा तो आप लोग को येलो कलर में देखने को मिलने वाला है। और गाइस जैसे आप लोग का इंटरनेट बिल्कुल बंद हो जाता है या गाइस बहुत ही ज्यादा हाई चला जाता है तो गाइस आप लोग यहाँ पे रेड कलर में देखने को मिलने वाला है। तो इसे देखने पर लग रहा है गाइस शायद कहीं ना कहीं गन्ना फिर पर वाले पिंग सिस्टम पर भी वर्क कर रहे हैं, गाइस शायद हो सकता है ओबी 42 अपडेट के बाद आप लोग को इतनी ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को ना मिले या गाइस आप लोग का पिंग ज्यादा हाई ना जाए। अब गाइस ये तो करने वालों के डिपेंड करता है कि भाई उन लोगों ने सिर्फ यहाँ पे कलर चेंजिंग में फर्क किया या गाइस कुछ रियली में पिंग को इम्प्रूवमेंट किया। देखते हैं ओबी 42 अपडेट के बाद हमारे गेम का पिंग किस तरीके का देखने को मिलता है। अभी देखने पर तो लग रहा है कि गन्ना फिर फायर कहीं ना कहीं हमारे पिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये चेंज भी गाइस आप लोग को हमारे इंडिया सफर ओबी 42 अपडेट के बाद गेम में देखने को मिलने वाला है। और अब गाइस मैं आप लोग को एक ऐसे अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जिसे जाने के बाद गाइस कुछ लोग खुश होने वाले हैं कुछ लोग दुखी होने वाले हैं, क्योंकि गाइस आप लोग की आईडी में मिल सकता है वी बैच। अब वी बैच कैसे मिलेगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोगों ने वीकली या मंथली मेंबरशिप का नाम तो सुना होगा या आप लोगों ने कभी ना कभी तो परचेज की होगी जिसमें आप लोग को एक महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, आप लोग को 7 दिन के लिए सब्सक्रिप्शन मिलता है और डेली के डेली गाइस आप लोग को डायमंड्स क्लेम करने को मिलते हैं। पर गाइस गन्ना फ्री फायर ऐसा कुछ आप लोग के लिए सर्वाइवल पैकेज लॉन्च करने जा रहा है जिससे गाइस आप लोग को और भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गन्ना फ्री फायर ने यहाँ पे एक सर्वे लाया गया जिसमें गाइस यहाँ पे आप लोग को सर्वाइवल पैकेज में दिए जाने वाले रिवार्ड्स के बारे में बताया गया कि गाइस अगर आप लोग सर्वाइवल पैकेज परचेज करते हो तो गाइस आप लोग को एक मंथ के लिए जितने भी स्टोर के बंडल्स है या जितने भी स्टोर के आइटम्स है सारे आप लोगों के लिए अनलॉक हो जाएंगे, यानी गाइस स्टोर में जितने भी बंडल दिए गए या जितने भी इमोट दिए गए जितने भी ग्लोल स्किन या गन स्किन दी गई है वो सारे आप लोग को टेम्पररी एक महीने के लिए सर्वाइवल पैकेज परचेज करने पर मिलने वाले हैं। अब इन्होंने यहाँ पे सर्वे में पूछा है कि अगर आप लोग के लिए इस तरीके का सर्वाइवल पैकेज लेकर आ जाए तो आप लोग कितने डायमंड्स में इसे परचेज करना पसंद करोगे, 100 डायमंड से कम में, 100 डायमंड में, 100 से 200 डायमंड में, 200 से 300 डायमंड में, 1000 तक के कितने डायमंड में आप लोग इन्हें परचेज करना पसंद करोगे। बाकी का यहाँ पे कुछ पॉपुलर बंडल्स के बारे में भी पूछा गया है कि आप लोग इन पॉपुलर बंडल्स के लिए कितने डायमंड
पॉइंट खर्च कर सकते हो। पॉपुलर तो नाम के है, मेरे को तो इतना ज्यादा खास इन बंडल्स में कुछ लगा नहीं है, बट यहाँ पे इन्होंने पूछा है सर्वे में मतलब कि अगर आप लोग सर्वाइवल पैकेज परचेज करोगे तो गाइस आप लोग को सर्वाइवल पैकेज में ये वाले बंडल्स भी टेम्पररी टाइम के लिए देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इन्होंने डायमंड्स की वैल्यू जानने की कोशिश की है कि भाई अगर आप लोग को ये दिए जाए तो आप लोग के सर्वाइवल पैकेज की वैल्यू कितने डायमंड की रखी जाए या गाइस कितने रुपए की रखी जाए। अब गाइस सर्वाइवल पैकेज का मैं आप लोग को नेक्स्ट बेनिफिट बताने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस अगर आप लोग सर्वाइवल पैकेज को परचेज करते हो तो गाइस आप लोग को लेवल 4 तक अपग्रेड की हुई 3 योगन टेम्पररी टाइम के लिए दी जाती है। यानी गाइस 1 महीने का पैकेज परचेज करोगे तो आप लोग को 1 महीने के लिए इन गन्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये 3 ही गन रहेंगे, बिल्कुल गाइस ऐसा नहीं होगा। हर मंथ गाइस ये गन स्किन यहाँ पे चेंज की जाएंगी। बाकी गाइस हमारे गेम में जो भी नए पैट या नए कैरेक्टर्स ऐड किए जाते हैं वो सारे आप लोग के लिए अनलॉक हो जाएंगे 1 महीने के लिए अगर आप लोग सर्वाइवल पैकेज को परचेज करते हो तो। एंड गाइस एक्स्ट्रा आउटफिट भी यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है सर्वाइवल पैकेज को परचेज करने पर। यानी गाइस सिंपली आप लोग को 2 स्लॉट दिए जाते हैं, लेकिन गाइस सर्वाइवल पैकेज परचेज करने के बाद आप लोग 4 स्लॉट हो जाएंगे, यानी कि 4 आउटफिट आप लोग इनमें सेट कर सकते हो। एंड गाइस आप लोगों को जो लॉबी दी जाती है उसको भी गाइस आप लोग कस्टमाइज कर पाओगे, यानी गाइस आप लोग जो चाहो वो फोटो लॉबी के अंदर लगा सकते हो। बस इतना ही नहीं गाइस सर्वाइवल पैकेज परचेज करने पर आप लोग को भाई वीबेस भी अपनी आईडी में मिलने वाला है। मतलब गाइस यहां पे इन्होंने एक सर्वे के तौर पर पूछा है कि भाई सर्वाइवल पैकेज को कितने डायमंड का रखा जाए एंड गाइस आप लोग वीबेस लेने के लिए कितने डायमंड तक स्पेंड कर सकते हो। बाकी आप लोग को टाइम लिमिटेड कस्टम कार्ड देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे बेनिफिट्स गाइस आप लोग को सर्वाइवल पैकेज को परचेज करने पर मिलने वाला है। इसी के साथ में गाइस आप लोग को स्पेशल अवतार बैनर क्लेम करने को दिए जाएंगे जिस तरह गाइस आप लोग को मंथली मेंबरशिप परचेज करने पर दिए जाते हैं। इन शॉर्ट में बोलूं तो गाइस सर्वाइवल पैकेज को परचेज करने पर आप लोग को टेंपरेरी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि प्रीमियम आइटम से हमें आप लोग के ऑल स्टोर के बंडल आ जाएंगे, ईओगन आ जाएंगे, कुछ आप लोग को वीबेज मिलेगा एंड इसी के साथ में अवतार बैनर मिलेंगे। बाकी गाइस मैं आप लोग को बता दूं हर मंथ ये सारे रिवार्ड्स रिफ्रेश होने वाले हैं। हर एक सर्वाइवल पैकेज में गाइस आप लोग को हर मंथ डिफरेंट डिफरेंट रिवार्ड्स देखने को मिलेंगे जिनका बेनिफिट गाइस आप लोग 1 मंथ के लिए ले सकते हो। तो अगर आप लोग को सर्वाइवल पैकेज गेम में देखने को मिले तो आप लोग कितने डायमंड में इसे परचेज करना पसंद करोगे कमेंट करके जरूर से बताना। पर जहां तक मुझे लगता है गाइस इस तरीके के फीचर को गेम में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यार ये भी एक पे टू विन ही होने वाला है। मतलब जिसके पास पैसा होगा वो ही ये सारे बेनिफिट्स को परचेज कर पाएगा। अगला एपिसोड इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यानी गाइस आप लोग को हमारे इंडिया सफर नेक्स्ट कौन सा इवेंट देखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि आप लोग को पता है 26 तारीख तक हमारे इंडिया सफर फार्म फ्रेंजी का इवेंट चलेगा एंड गाइस 31 अक्टूबर को हमारा OB42 का अपडेट आने वाला है। तो लगभग 5 दिन बचेंगे आप लोग के OB42 को अपडेट को आने में। एंड गाइस 5 दिन के लिए हो सकता है आप लोग एक छोटा सा इवेंट देखने को मिल जाए, जो कि गाइस आप लोग यहां पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का निकल कर आ रहा है। तो हो सकता है गाइस 27 तारीख से लेकर 3-4 नवंबर तक आप लोग को इस तरीके का रोड टू OB42 नाम से एक न्यू इवेंट देखने को मिल जाए, जिसमें आप लोग को काफी सारे फ्री के रिवार्ड्स क्लेम करने को मिलने वाले हैं। जैसे गाइस 30 मिनट तक खेलने पर आप लोग को हमारी ग्रीम राइडर पैंट देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत टाइम पहले ऐड कर दी गई थी लेकिन अभी तक हमारे इंडिया सफर नहीं आई है। इसके अलावा गाइस आप लोग को 3 CS रैंक मैच खेलने पर या 5 CS रैंक मैच खेलने पर कुछ फ्री के रिवार्ड्स मिलने वाले, ग्रीम राइडर हेड देखने को मिल जाता है। और गाइस 3 डेज लॉगिन रिवार्ड में यहाँ पे आप लोग को पिछली बार के हेलोवीन इवेंट के स्काईबोर्ड की स्किन के साथ अनलिमिटेड कस्टम कार्ड 1 घंटे के लिए क्लेम करने को दिए जाने वाले। एंड गाइस यहाँ से आप लोग एक प्रीमियम मास्क देखने को मिलेगा। बात करें कौन सा होने वाला है तो वो भी गाइस आप लोग यहां पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का। आप लोग को 30 मिनट खेलने पर बिल्कुल ही फ्री में ग्रीम राइडर का एक मास्क क्लेम करने को मिल जाता है। तो ये एक पूरा बंडल होने वाला है जिसके अलग अलग पार्ट आप लोग को अलग अलग मिशन कंप्लीट करने पर दिए जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप लोग कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं कर पाते तो गाइस आप लोग का पूरा बंडल बेकार हो जाएगा। मतलब कि गाइस आप लोग पूरा कंप्लीट बंडल नहीं पहन पाओगे। जैसे गाइस यहाँ पे आप लोग को फिर से 30 मिनट खेलने पर हमारा एक टॉप देखने को मिल जाता है ग्रीम राइडर बंडल का, जो कि गाइस बंडल के साथ ही आप लोग को पहनने पर बहुत ही गजब का लगने वाला है। तो मैं आप लोग को ऐसा नहीं कर रहा कि भाई 100% आप लोग को ये इवेंट देखने को मिल जाएगा, बट गाइस एक दूसरे पर इस तरीके का रोड टू OB42 का एक इवेंट देखने को मिल रहा है। हो सकता है गाइस OB42 अपडेट स्पेशल आप लोग हमारे इंडिया सब पर इस तरीके का इवेंट देखने को मिल जाए, जहां से आप लोग को बंडल फेस पेंट एंड और भी काफी सारे रिवार्ड्स फ्री में क्लेम करने को मिल जाते हैं। तो कुल मिला के गाइस यहां से आप लोग एक बंडल क्लेम करने को मिल रहा है एंड साथ ही गाइस लास्ट में आप लोग यहां पे एक लूट बॉक्स की स्किन देखने को मिल जाएगी, कुछ लकरोल वाउचर क्लेम करने को मिल जाएंगे, 1 घंटे के लिए अनलिमिटेड कस्टम कार्ड क्लेम करने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके का इवेंट गाइस आप लोग हमारे इंडिया सब पर 26 तारीख के बाद देखने को मिल सकता है, बट गाइस ये अभी तक 100% कंफर्म नहीं हुआ। तो मैंने आप लोग यहाँ पे दिखा दिया इस तरीके के रिवार्ड्स आप लोग के लिए निकल कर आ रहे थे। बाकी गाइस जैसे हमारे इंडिया सब पर आने वाला नेक्स्ट इवेंट 100% कंफर्म हो जाएगा तो मैं आप लोग को आने वाली वीडियोज में बता दूंगा। बाकी गाइस बात करें आप लोग के कुछ लकी कमेंट्स के बारे में जो कि आप लोगों ने पिछले वीडियोज पे किए थे। फर्स्ट कमेंट अक्षर परमार ने किया है, मनु भाई मैं 10 साल का हूँ, मुझे नो गर्लफ्रेंड मिल गई। अबे साले
जोक मारा। नेक्स्ट कमेंट में रॉयल X76 ने पूछा फ्री स्कार्फ कब मिलेगा। तो गाइस देखो हेलोवीन इवेंट पे बाहर के कुछ सर्वर पर तो फ्री स्कार्फ मिल रहा है, अब इंडिया सर्वर पर देंगे या नहीं देंगे पता नहीं कौन से इवेंट में आएगा, अभी फिलहाल कोई अपडेट यहाँ पे निकल कर नहीं आ रही है। फिर नेक्स्ट कमेंट में यहाँ पे जाशो बंतु शाहू ने पूछा है मनु भाई मैं आपका वीडियो रोज देखता हूँ लेकिन आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते। तो मेरे भाई आपको कमेंट में कुछ पूछना तो पड़ेगा, ऐसे लिख के चले जाओगे तो बाकी बंदों का तो कोई काम कर रहा नहीं वो कमेंट। मैं ऐसा कमेंट उठाता हूँ जो क्या सब लोगों के लिए काम का हो, सब लोगों के लिए जानने की जरूरी हो। और दूसरी बात एक ही वीडियो में सारे लोगों के कमेंट्स भी नहीं ले सकता ना। बाकी नेक्स्ट कमेंट में यहाँ पे मैट्रिक गेमिंग ने पूछा मनु भाई दिवाली विश इवेंट कब आएगा, कंफर्म डेट बता दो। तो गाइस आप लोग को 10 तारीख से पहले पहले यानी कि 6 से लेकर 10 तारीख के बीच में 100% आप लोग को दिवाली विश इवेंट देखने को मिल जाएगा। और लास्ट कमेंट प्रमोद साहू ने किया है क्या गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ देखने को मिलेगा। तो गाइस देखो आप लोग को दिवाली एंड के पीक देखो यानी कि 12 नवंबर को गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ दिया जाएगा। बाकी गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई न्यू इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।